नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, सीरीज़ दी हुई है 5, 16, 29, 46, 65 और 88। तो अगला वाला नंबर कौन सा होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो सीरीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 16, 29, 46, 65, 88 और यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए, 5 और 16 के बीच की जो गैपिंग है, डिफरेंस जो है वो कितने नंबर का डिफरेंस है, वो है +11 का, ठीक है। और 16 और 29 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 13 का है, ठीक है। 29 और 46 का जो डिफरेंस है, 46 29 +17 का, ठीक है दोस्तों। 46 और 65 के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का है, +19 का डिफरेंस है। और 65 और 88 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है दोस्तों, वह है 23 का। तो ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों कि जो ये डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों, 11, 13, 17, 19, 23 ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक कंटिन्यूस अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो 23 के आगे जो प्राइम नंबर आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा होगा, 29, ठीक है, 29 आ रहा होगा। तो हम 88 में 29 को जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 117। यही होगा दोस्तों जो इस सीरीज के आगे पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ -1, 6, 25, 62, 123, 214, फिर आगे आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देख रहे होंगे कि -1 लिख लेते हैं, ठीक है, 6, 25, 62, 123, 214 क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखें तो इसमें -1 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, +7 का। क्लियर है बात है दोस्तों, देखिए -1 और +7 कर रहे होते तो 7 में से 1 निकल रहा होता तो 6 ही तो आ रहा होता, +6, ठीक है दोस्तों, समझ गए बात, ये चीज़ें हो रही। अब 6 और 25 का जो डिफरेंस है कितने का है, +19 का है, ठीक है। फिर 25 और 62 के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, +37 का, 37 का है, ठीक है। 62 और 123 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 61 का है। और 123 और 214 के बीच का जो डिफरेंस है प्लस कितना है, 91, ठीक है दोस्तों। ये बातें समझ में आई, ये तो गैपिंग था, ठीक है दोस्तों। मगर ध्यान से समझ में, पैटर्न में आपको समझ में ना आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, 7, 19, 37, 61 ऐसे हो रहा है। तो हम क्या कर रहे होंगे दोस्तों कि डबल डिफरेंस पे चल रहे होंगे। तो डबल डिफरेंस पे जब चल रहे होंगे तो 7 और 19 के बीच का जो डिफरेंस है +12 का है। 19 और 37 के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, +18 का है। 37 और 61 के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना है, +24 का है। और 61 और 91 का बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना है, 30 का है। तो इसी तरह ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि देखिए नीचे जो डबल डिफरेंस आ रहा है ये 6 के मल्टीपल में है, 6 × 12, 6 × 3 = 18, ठीक है दोस्तों, और 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, +36, ठीक है दोस्तों। तो हम 91 में 36 जोड़ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। 91 में क्या करेंगे, 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 × 7, ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा होगा, 6 × 7, यहाँ से हमें ऐसे जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, कितना है, 7, और ये 9, 3, 12, ठीक है दोस्तों, 11, 27, ठीक है। अब 27 में हमें क्या करना होगा, 227 में 214 जोड़ना होगा, 214 + 127 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 × 4 = 11, 1, ठीक है, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 3, 341 आना है यहाँ पे,
यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 341। ठीक है दोस्तों, क्या बारा जाना है, 341। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सीरीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ यह है कि आपको सीरीज़ दी हुई है 1, 2, 9, 28, 65, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज़ में देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है। तो सीरीज़ में देखिए कि बहुत बड़ी गैपिंग ना आए दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ी गैपिंग ना आए, तो देखेंगे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, +1 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है +7 का डिफरेंस है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है कितने का है दोस्तों, +19 का है, 19 +19 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, और 28 और 65 के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना है, +37 का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको समझ में ना आ रहा होगा कि 1, 7 ऐसे हो रहा है, तो डबल डिफरेंस की ओर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे +6, यहाँ पे कितना आएगा, +12, +18। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे देखें डबल डिफरेंस पे, तो 6, 6 दूना 12, 6, 3, 18। ठीक है दोस्तों, तो 6 के मल्टीपल में है तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 18, 6, 4, 24। ठीक है, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, अब 37 में 24 जोड़ रहे होंगे, ठीक है, तो 37 में हम 24 जोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो 7, 4, 11 के 1, 3, 2, 5, 1, 6, 61। ठीक है दोस्तों, अब 61, 61 और 65 को जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, 6 और 6, 6, 12। ठीक है दोस्तों, 126 आएगा, ऑप्शन नंबर आप एक आर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई दोस्तों कि 7, 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क फिर लिखा हुआ है, 215, 342। ठीक है दोस्तों, तो देख के ध्यान से सीरीज़ को, तो हो क्या रहा है कि ये 8, 7 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये 26 लिखा हुआ है, ये 63 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि ये नंबर, ये सारे नंबर, ये अपने क्यूब से एक एक कम है। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 का इसका 2 का क्यूब कर रहे होते तो 8 आ रहा होता, उसमें से एक कम है। ठीक है, कम है, ये 26, 27 हो जाता तो क्यूब हो जाता, बट ध्यान से देख रहे होंगे तो 3 का क्यूब करें उसमें से एक कम कर दें। ठीक है, ये 4 का क्यूब कर दें, 64 होता है, उसमें से एक कम कर दें, 63 हो जाएगा। ये क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से एक कम कर दें, और 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से कर दें, 342 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये 0 का 1 का क्यूब होगा, और इसमें से 1 कम कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब 1 माइनस, 2 का क्यूब 1 माइनस, 3 का क्यूब 1 माइनस, 4 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ पे होना चाहिए 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125 में से एक निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 124। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाना है, 124। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज दी हुई है दोस्तों 235, 346, 457। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान से सीरीज को देखें तो हो क्या रहा है कि बहुत बड़ी गैपिंग ना है। ठीक है दोस्तों, तो देखें इसको घटा रहे होंगे तो कितना आएगा, 1, 4 में से 3, 1। ठीक है दोस्तों, 3 में से 1, 2, तो 1। ठीक है, 111 का डिफरेंस है, तो इसमें क्या बन रहा है कि 7 में से 6, तो 1, 5 में से 4, 1, 4 में से 3, 1, तो 111। तो देखेंगे दो नंबरों के बीच की जो गैपिंग है +111 की है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वाले नंबर में भी क्या होगा, +111 की गैपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब है 457 में हम क्या कर रहे होंगे, 111 जोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो 8, 6, 5 यहाँ पे आना है कितना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 5, 6, 8।
ठीक है दोस्तों, 5, 6, 8, तो 5, 6, 8 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, आपको सीरीज दी हुई है 6, 11, 21, 36, 56, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सीरीज में देखें कि डिफरेंस कितने का है, +5 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, +10 का। इसमें +15 का। इसमें कितने का है, +20 का। तो ध्यान से देखें, नीचे 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, और यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए 25 का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 56 + 25 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 5 × 5 = 7, 1 = 8। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 81, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।